तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडी रेटिंग जोन। तो आज का वीडियो हम लोग जो कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ सबके बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम पूरा भाई मस्त हूँ। तो आज का हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग को भी सीखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाइएगा। देख सकते हो बिफोर आफ्टर। तो मैं अभी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग ऐसा कर सकते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप लोग जो कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाइएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर जो हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलो यार, आज का वीडियो बिना देरी के हम लोग यहीं पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग का जो ओरिजिनल फोटो है उस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना है स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से हम यहाँ पे शेयर कर लेंगे। तो यार मैं यहाँ पे शेयर कर लिया हूँ फोटो को। उसके बाद यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे टूल्स में क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ से टू न्यूज में चले जाएंगे। टू न्यूज में आकर के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा सा माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो ब्राइटनेस है ना यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा था पहले से। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर 26 माइनस। उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है प्लस टू पे। उसके बाद फिर सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे, नहीं तो हम लोग का जो कि सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा फेस पे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो कि हम लोग का फेस है थोड़ा सा और भी अच्छा लगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम करेंगे कि यहाँ पर हाईलाइट्स को जो कि है थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा माइनस 42 के आसपास। फिर शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे प्लस 18 के आसपास। फिर यह सिंपली फ़ोटो को यहाँ से डन कर देना है, और डन कर लेने के बाद देख सकते हो और बिफोर आफ्टर कितना लाइटिंग था हम लोग का फ़ोटो में। अभी देख सकते हो एक ही क्लिक में यहाँ पर कलर ग्रेड थोड़ा सा आ चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर करना क्या है, टूल्स में चले जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे सिलेक्टिव टूल में। सिलेक्टिव टूल में आकर के यहाँ से हम यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर ब्राइटनेस कम है वहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा जहाँ पर कम कम दिख रहा है उस जगह में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि फ़ोटो हम लोग का अच्छा बने। जहाँ जहाँ ब्राइटनेस थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे ब्राइटनेस को, ताकि यार फोटो जो की है पूरा ऑसम लगे। उसके बाद फिर इतना कर लेने के बाद यहाँ से फ़ोटो को हम सिंपली राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक कर लेने के बाद फ़ोटो को सिंपली शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद यार फ़ोटो को मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ लाइटरूम ऐप के अंदर। तो यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे कि यहाँ पे जो कि ऑटो टूल में क्लिक करेंगे। ऑटो टूल में क्लिक करने के बाद अभी देख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग का फ़ोटो में कलर ग्रेड जो कि है ब्राइटनेस एडजस्ट हो चुका है। तो आप पहले में देख सकते हैं बिफोर कितना लाइटिंग था हम लोग के कपड़ा में, अभी देख सकते हैं एक क्लिक में हम लोग का कपड़ा जो कि है पूरा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं करूँगा कि यहाँ पर लाइट्स में चले जाएंगे। फिर यहाँ से एक्सपोजर तो ठीक ठाक है, यहाँ पर हाईलाइट्स को 100 माइनस कर देंगे ताकि बैकग्राउंड में जो हम लोग का ज़्यादा लाइट है वो सब घट जाएगा। उसके बाद फिर शैडो को यहाँ पर फुल बढ़ा देंगे, यहाँ पर 100 में कर देंगे। फिर व्हाइट्स को यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर कलर्स में। कलर्स में आने के बाद यहाँ विब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर मिक्स में चले जाएंगे। फिर सैचुरेशन में यहाँ पे दो नंबर वाला ट्यून में जाएंगे, और इसमें फेस का हम लोग कलर ट्यून यहाँ पे थोड़ा सा वाइट करने वाले हैं। तो इसके लिए सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस 30 में करेंगे। फिर ल्यूमिनेंस को यहाँ पे बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, देख सकते हो और एक ही क्लिक में जो कि है इधर करेंगे तो हम लोग का फोटो जो कि है कलर एडम जैसा दिख रहा है। इसको हम लोग यहाँ पूरा फुल बढ़ा देंगे तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है फ़ोटो हम लोग का एक ही क्लिक में। उसके बाद फिर यहाँ से जो कि ह्यू को थोड़ा सा इधर कर देंगे प्लस 11 में, ताकि हम लोग का फेस जो कि ओरिजिनल टोन लगे। उसके बाद फिर यहाँ से हमको चले जाना है फर्स्ट वाला टोन में। फिर ह्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे, जिस्टन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ल्यूमिनेंस को यहाँ पर फुल बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, ताकि जो कि हम लोग का फेस है थोड़ा सा और भी बढ़िया लगे। उसके बाद फिर इधर वाला में आएंगे, फिर सैचुरेशन को इसका 100 माइनस कर देंगे। फिर ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसको करने का कहा होता है कि फ्रेंड्स हम लोग जो कि फ़ोटो है ना ये थोड़ा सा जो कि आँख में थोड़ा सा पीला पीला टाइप का जाता है, उस सब यहाँ से हट जाता है आप लोग का। उसके बाद फिर यहाँ पे करना क्या, आप लोग को इधर में आना जाना है ग्रीन वाला में।
फिर इसका सैचुरेशन को भी 100 माइनस कर देना है, लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर आप लोग को यहाँ ब्लू कलर में आना है, फिर सैचुरेशन उसका 100 माइनस कर देना है, लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर आप लोग को जो कि ब्लू टोन में आ जाना है और इसका सैचुरेशन को ह्यू को आप लोग को थोड़ा सा इधर माइनस करना है, फिर सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। फिर लुमिनस को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है फ्रेंड्स। फिर फोटो को यहाँ से डन कर देना है। तो आप लोग और एक बार देख लीजिए सभी सेटिंग, हम लोग रेड रेड को रखे हैं इतना में, आप लोग शायद सके तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। उसके बाद फिर इसको रखे हैं इतना में, फिर थर्ड नंबर वाला को रखे हैं इतना में, फिर फोर्थ नंबर को इतना में, फिर फाइव नंबर को इतना में, सिक्स नंबर को इतना में। तो देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से, वहाँ पर आप लोग अभी हम लोग डन कर देंगे। डन कर लेने के बाद चले जाएँगे इफेक्ट में, और इफेक्ट में आने के बाद टेक्स्चर को यहाँ थोड़ा सा बढ़ाएंगे प्लस 9 के आसपास, फिर क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे 24 के आसपास, फिर बिगनेट को यहाँ पर थोड़ा सा माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर -4 के आसपास। फिर यहाँ चले जाएंगे डिटेल टूल में, डिटेल में आने के बाद यहाँ से थोड़ा कि जो कि हम लोग का शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे +23 और डिटेल को 100। फिर नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे थोड़ा सा उसके बाद फिर यहाँ पर डिटेल को भी 100 कर देंगे। फिर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो कि है ना बैकग्राउंड हम लोग का थोड़ा स्मूथ आ जाए फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग को बैकग्राउंड अगर आप लोग को स्मूथ करना है तो आप लोग को यार नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, +32 से 50 के आसपास में रखना है फ्रेंड्स, तभी आप लोग का बैकग्राउंड है ना पूरा फुल HD में जो कि है ब्लर हो जाएगा। तो हमें 44 में रख देंगे ताकि देख सकते हो अभी थोड़ा देर में हम लोग को बैकग्राउंड जो कि है ना पूरा अच्छे तरीके से ब्लर हो जाएगा। तो आप लोग को भी इसको 40 के आसपास रख देना है। उसके बाद फिर यहाँ से ऑप्टिक्स में जाके दोनों को ऑन कर देंगे। ऑन कर लेने के बाद यार सिंपली फ़ोटो को यहाँ से देख सकते हो बिफोर आफ्टर। अभी फ़ोटो हम लोग का काफ़ी तगड़ा लग रहा है, तो अभी फ़ोटो को यहाँ सिंपली सेव कर देंगे, सेव बटन में क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ से फ़ोटो को सेव टू डिवाइस। तो गाइस यार इतना कर लेने के बाद आप लोग को फ़ोटो को फिर से लेके आना है लाइटरूम ऐप के अंदर। फिर से लेके आने के बाद आप लोग को करना क्या है, आप लोग को उसके बाद फिर ऑटो टूल में क्लिक कर देना है, फिर से उसके बाद फिर लाइट्स में चले जाना है, फिर हाइलाइट्स को यहाँ पर 100 को माइनस कर देना है, फिर शैडो को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर यहाँ पे व्हाइट्स को भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे। फिर तभी देख सकते हो जो कि हम लोग को फेस थोड़ा सा और भी अच्छा लग रहा है, अभी उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा था फेस पर, अभी थोड़ा सा और भी अच्छा बन चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे क्या हम, उसके बाद फिर कलर टूल में चले जाएंगे, फिर मिक्स में चले जाएंगे, फिर यहाँ से जो किया दोनों में ब्लर टोन लेके फिर लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इधर ह्यू को भी थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे ताकि फेस हम लोग का थोड़ा ओरिजिनल टाइप का लगे। उसके बाद फिर ऐसे करेंगे कि हम लोग जो कि फर्स्ट ब्लर टोन में चले जाएंगे, फिर ह्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से जो कि लुमिनस को 100 में प्लस कर देंगे फ्रेंड्स। तो अभी देख सकते हो फेस हम लोग फेस में थोड़ा सा जो कि है रेड टाइप का आ चुका है। उसके बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे हम लोग जो कि येलो वाला टोन में, फिर सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर लुमिनस को यहाँ पे फुल बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। फिर इधर वाला में भी आप लोग सैचुरेशन को 100 माइनस कर देना है, फिर लुमिनस को बढ़ा देना है। तो आप लोग देख सकते हो सेटिंग, उसके बाद फिर यहाँ से इधर वाला में भी ऐसे ही सेम कर देंगे, इसमें नहीं करना है, नहीं तो आप लोग का फोटो जो कि है थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसमें आप लोग को ह्यू को थोड़ा सा माइनस में रखना है, -16 के आसपास, फिर सैचुरेशन को इसका 33 में रखना है, फिर लुमिनस को यहाँ पर फुल बढ़ा देना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आप लोग को जो कि ब्लू वाला टोन में आना है, फिर ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना है, -10 के आसपास कर देना है, फिर ह्यू सैचुरेशन को आप लोग को +11 कर देना है, फिर लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाना है, फिर फोटो को यहाँ से डन कर देना है। और डन कर लेने के बाद आप लोग को करना है कि क्लैरिटी में चले जाना है, फिर क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है आप लोग को, उसके बाद बिगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देना है। उसके बाद फिर डिटेल में चले जाना है, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है आप लोग को 38 में, फिर डिटेल को 100 कर देना है फ्रेंड्स। फिर आप लोग को नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाना है +45 के आसपास, डिटेल को 100 कर देना है। फिर आप लोग को ऑप्टिक्स में चले जाना है, दोनों लेंस को ऑन कर देना है, और फिर फोटो को सिंपली यहाँ से शेयर बटन में क्लिक करना है, फिर फोटो को आप लोग को सिंपली सेव कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद अभी हम लोग को फोटो को जो किए और व्हाट्सएप के अंदर लेके आना है फेस को स्मूथिंग करने के लिए। उसके बाद फिर जो कि ब्रश वाला आइकन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद उसके बाद फिर आप लोग को जो कि ये वाला ब्रश लेना है, स्मूथ का 7 नंबर वाला ब्रश, और ये वाला ब्रश को लेके आप लोग को सेटिंग में चले जाना है, फिर सेटिंग का साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है, फिर फ्लो को आप लोग को 4 में रखना है, स्ट्रेंच को आप लोग को 9 में रखना है, फिर कट कर देना है, फिर आप लोग को कुछ स्टेप्स से धीरे धीरे करते ब्रश करते जाना है।
ऐसे ऐसे करके आप लोग को कुछ स्टेप से गोल गोल करके देख सकते हो हम लोग को फोटो जो कि कितना अच्छे तरीके से स्मूथिंग हो रहा है। तो यार अभी हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही स्मूथिंग वाला वीडियो बना हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग जो कि फेस स्मूथिंग का देख सकते हो यार। तो अभी हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। तो यार भाई लोग अभी जो कि हम लोग का देख सकते हो फेस काफ़ी बढ़िया तरीके से स्मूथिंग हो चुका है। तो अभी कितना अच्छा लग रहा है हम लोग का फ़ोटो, तो कितना बढ़िया तरीके से एक एक जगह पर हम यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मूथिंग कर लिया हूँ। तो आप लोग को भी कुछ स्टेप से करना है पूरा अच्छे तरीके से, एक एक जगह कहीं पर नहीं छोड़ना है, फ्रेंड्स आप लोग को पूरा टाइम लगा करना है, तभी आप लोग को जो कि है ना पूरा अच्छे तरीके से स्मूथिंग कर पाइएगा अपने फ़ोटो में। तो स्टेप इतना कर लेने के बाद आप लोग को फोटो को सिंपली थ्रेडर में क्लिक करना है, फिर गैलरी में चले जाना है, फिर फोटो को सिंपली सेव कर लेना है यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को फोटो जो कि है ना उसको आप लोग को शेयर कर लेना है टूलवेज एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग को टूलवेज एप्लीकेशन नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद फिर ओपन कीजिएगा टूलवेज एप्लीकेशन को। उसके बाद फिर आप लोग को जो कि इफेक्ट में चले जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोग को सॉफ्ट स्पंज में करना है। उसके बाद फिर आप लोग को सॉफ्ट स्पंज चले जाके आप लोग को तीन नंबर वाला लेना है। इसमें आप लोग को क्या होता है, आप लोग को कपड़ा में ऑल पेंट डालना रहता है तो आप लोग यहाँ से डाल सकते हो पूरे अच्छे तरीके से। तो इतना तीन नंबर पर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पर मास्क में चले जाना है। फिर यहाँ से आँखों से हम लोग थोड़ा सा इधर हटा लेंगे। तो आप लोग को भी आँखों में हमेशा हटाना है, नहीं तो आँख भी थोड़ा सा ख़राब दिखेगा। आँख से और नाक से और होंठ से यार आप लोग को हटा ही देना है, हर बार आप लोग को हटाना है, तभी आप लोग का फ़ोटो अच्छा लगेगा। फिर सिंपली फ़ोटो को आप लोग को सिंपली राइट क्लिक कर देना है यहाँ से। उसके बाद देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम लोग का फ़ोटो जो होगा पूरा तगड़ा अच्छे तरीके से फ़ोटो हम लोग का बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है फ़ोटो हम लोग का। तो अभी देख सकते हो ले चुका है यार हम लोग का जो कि यहाँ पर थोड़ा सा लिया है, हल्का हल्के में, ज़्यादा नहीं लिया, थोड़े थोड़े में लिया। फिर हम लोग इफेक्ट में चले जाएंगे, फिर सॉफ्ट स्पंज में जाएंगे, फिर भी तीसरा नंबर वाला ले लेंगे। और अभी मास्क में क्लिक कर देना है आप लोग को, फिर यहाँ से क्लीन में कर देना है, फिल कीजिएगा तो आप लोग को पूरा फोटो में लग जाएगा, क्लीन कर देना है। और फिर आप लोग को अच्छी तरीके से कपड़ों में लगा देना है फ्रेंड्स, और कपड़े में ओनली कपड़ों में लगाना है, नहीं तो दूसरी जगह में कीजिएगा तो आप लोग का फ़ोटो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग को ओनली कपड़ों में करना है क्योंकि कपड़ों का हम लोग को पूरा ऑल पेंट मार देना है कपड़ों में, तभी हम लोग को फ़ोटो जो कि है कपड़ा तो थोड़ा और भी तगड़ा लगेगा। तो यहाँ पर ओनली कपड़ों में मारना है, तो मैंने यहाँ पर पूरा कपड़ों में मार दिया है। इसके बाद फोटो को सिंपली डायरेक्ट क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ोटो हम लोग का बनने में थोड़ा सा टाइम तो लेवे करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना है आप लोग को थोड़ा सा। तो अभी देख सकते हो फ़ोटो हम लोग का जो कि है काफ़ी तगड़ा है, यहाँ पे ऑल पेंट हो चुका है। उसके बाद फिर फ़ोटो को सिंपली ऊपर में एक बॉक्स दिख जाएगा दाहिने साइड में सबसे ऊपर में, वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। फिर ऐसे आप लोग जैसा क्वालिटी में रखना चाहते हैं, आप लोग जेपीजी 100 में करना चाहते हैं या फिर पीएनजी में। उसके बाद फिर आप लोग को फ़ोटो को सिंपली यहाँ से सेव कर लेना है। तो यार आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।